इमरान खान अरेस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री के रेंजर्स ने अटैक किया हाई कोर्ट के अंदर और घसीट के बाहर निकाला और अरेस्ट किया इमरान खान को। लोकल न्यूज़ के हिसाब से उनके मुंह के ऊपर स्प्रे भी मारा गया, पेपर स्प्रे, और उनके आँख पर चोट भी लगा। और रेंजर्स जिस तैयारी से आए थे उसको देख के लग रहा था इसकी तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। और पाकिस्तान की आर्मी ने इस अरेस्ट की वजह बताई है करप्शन। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है, वो टोटली करप्ट है, लेकिन आयरनी देखिए कि मिलिट्री बोल रही है। ऐसी मिलिट्री जहाँ पास मिलिट्री के ऑफिसर्स करोड़पति हैं और ऐसे मिलिट्री जहाँ से बिलियनर्स बाहर निकलते हैं वो करप्शन की बात कर रहे हैं। तो करप्शन यहाँ पे मेन इश्यू तो है नहीं। मेन इश्यू ये है कि इमरान खान ने ISI के हेड को ये कह दिया कि उन्होंने साजिश की इमरान खान को मारने की, वो भी दो बार, और ये तक से कह दिया कि आगे चल के भी जो कुछ भी होगा इमरान खान को अगर वो मारे जाते हैं तो पूरी तरह से इसी आदमी की साजिश होगी, जिस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। क्योंकि मिलिट्री टॉलरेट नहीं कर सकती कि कोई भी मिलिट्री के खिलाफ चला जाए, चाहे वो कोई भी हो, और इमरान खान गए और उसी की सजा उनको मिल रही है। और इसको देख के लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर शायद सिविल वॉर हो सकती है, और सिविल वॉर नहीं तो एक शॉर्ट टर्म वायलेंस होने की टोटली ही गारंटी है अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिलीज़ नहीं किया जाता है तो।